हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम कॉस्ट से रिलेटेड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। देखिए, पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट डिस्कस किया था और हमने खत्म भी कर लिया था ये टॉपिक, राइट? तो आज हम स्टडी करेंगे लॉन्ग रन वाले एवरेज कॉस्ट को। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस है, हम ये भी स्टडी करेंगे, और लॉन्ग रन में जो कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करता है, इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग रन इज अ ड्यूरेशन वेयर अ फर्म कैन ऑल्टर ऑल इनपुट्स, व्हाइल शॉर्ट रन इन्वॉल्व्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। देखिए, हमें जैसा पहले से ही पता है कि शॉर्ट रन में कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं एंड कुछ फिक्स्ड होते हैं, राइट? एटलीस्ट वन इनपुट फिक्स्ड होगा अगर, तो उसे हम शॉर्ट रन कहते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन वो ड्यूरेशन है जहां पे आप अपने सारे इनपुट्स ऑल्टर कर सकते हो, यानी कि सारे इनपुट्स वेरी कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, कुछ फिक्स्ड नहीं होता लॉन्ग रन में। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता था, राइट? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नाउ इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन बिल्ड any size or scale of plant and therefore can move from one plant to another. It can acquire a big plant if it wants to increase its output and a small plant if it wants to reduce its output. देखिए, जो plant है या फिर जो machinery है, ये factors short term में fixed रहता है, right? आप change नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्लांट एंड मशीनरी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी आउटपुट इंक्रीज करनी है, सो यू कैन बाय अ प्लांट विथ ग्रेटर कैपेसिटी, ओके? इसको हम प्लांट टू कह देते हैं। तो आप ग्रेटर कैपेसिटी वाली प्लांट खरीद सकते हो, बना सकते हो, एंड यू कैन शिफ्ट फ्रॉम प्लांट वन टू प्लांट टू। अगेन, अगर आपको अपनी आउटपुट डिक्रीज करनी है, तो ये हायर प्लांट से अगेन आप लोअर कैपेसिटी वाले प्लांट में भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन योर आउटपुट रिक्वायरमेंट, आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव कर सकते हो इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का यही फायदा है कि कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं होता। ठीक है, नाउ द लॉन्ग रन इज अ प्लानिंग होराइजन फॉर फर्म्स टू स्ट्रेटेजाइज एंड बिल्ड द मोस्ट सूटेबल प्लांट स्केल अलाइनिंग विद द फ्यूचर आउटपुट रिक्वायरमेंट। तो आपकी फ्यूचर में आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से यू कैन प्लान एंड बिल्ड द मोस्ट सूटेबल प्लांट। आपके लिए सबसे सूटेबल प्लांट साइज कौन सा है, आप वही बिल्ड कर सकते हो एंड वही पे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो प्लानिंग होराइजन है, ये सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, राइट? शॉर्ट टर्म में क्या आप ऐसे प्लान कर सकते हो? नहीं, आप ऐसे प्लान नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म में, क्योंकि वहां पे आपकी जो प्लांट है वो फिक्स होती है। ओनली इन द लॉन्ग रन यू हैव अ प्लानिंग होराइजन, जहां पे आप प्लान भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बिल्ड द मोस्ट सूटेबल प्लांट स्केल। ठीक है, आप अपनी स्केल चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट रिक्वायरमेंट। नाउ वंस अ फर्म एस्टैब्लिशेस अ स्पेसिफिक प्लांट स्केल, इट्स प्रोडक्शन ऑपरेशंस ऑकर इन द शॉर्ट रन। देखिए, अब ये पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए ये कह रहा है कि अगर एक बार आपने एक स्पेसिफिक स्केल डिसाइड किया ना, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए आपने इनिशियली यू डिसाइडेड कि आप 1000 कैपेसिटी वाले प्लांट यूज करोगे, तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप ये वाले प्लांट इंस्टॉल करोगे, राइट? एंड आप इसी प्लांट पे प्रोड्यूस करोगे फॉर सम टाइम। नाउ अब जब तक आप ये सेम प्लांट में प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो आपका शॉर्ट टर्म ही है एक तरीके से, राइट? क्योंकि अगेन फॉर सम टाइम आपने अपना प्लांट फिक्स्ड कर लिया, राइट? तो ये 1000 कैपेसिटी वाली प्लांट में जब तक आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो आपके लिए शॉर्ट टर्म है। नाउ अगेन आपने अपना प्लांट स्केल इंक्रीज करने का सोचा, ठीक है, सो यू मूव्ड टू अ प्लांट विथ 5000 कैपेसिटी। नाउ अपने 5000 वाली कैपेसिटी प्लांट इंस्टॉल कर ली, एंड अगेन वंस यू इंस्टॉल दिस प्लांट न्यू प्लांट, अब सर्टन टाइम तक आप यही प्लांट में प्रोड्यूस करोगे, राइट? तो अगेन जब तक आपका ये प्लांट फिक्स्ड है, उसको हम दूसरा शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हमने शॉर्ट टर्म वन कहा था, तो इसको शॉर्ट टर्म टू कह देते हैं।
तो ऐसे करके आपने अगर स्केल कर इंक्रीज करने का सोचा भी, ठीक है, तो आप जब इंक्रीज करोगे सर्टन टाइम तक तो आप वही प्लांट में प्रोड्यूस करोगे, राइट? तो एक बार आपने स्केल डिसाइड कर लिया, यू एस्टैब्लिश द स्केल, जो आप प्रोडक्शन करोगे ना वो आपका शॉर्ट टर्म ही होगा. नाउ लेट्स से ये शॉर्ट टर्म वन में आपने कुछ कॉस्ट इंकर किया, ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट वन कह देते हैं. और ये दूसरे शॉर्ट टर्म टू में भी आपने कुछ कॉस्ट इंकर किया, उसको हम शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट टू कह देते हैं, ठीक है. सो एक पर्टिकुलर, ईच पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में आप एक सेपरेट शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व बना सकते हो, राइट? एंड यही शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को स्टडी करके ही एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाई जाती है, ठीक है. अब कैसे बनाई जाएगी ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ना, ये एक्चुअली आता है बाय स्टडिंग वेरियस शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व्स ओनली. ओके, अंडरस्टूड? तो देखिए, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को बनाना जरूरी ही क्यों है, जब हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है तो हम शॉर्ट को ही क्यों नहीं स्टडी कर लेते. देखिए, लॉन्ग रन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ना हमें ये बताता है कि कौन सा प्लांट स्केल हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है इन द लॉन्ग रन, ठीक है. अगर हमें लॉन्ग रन में अपना कॉस्ट रिड्यूस करना है, ठीक है, अगर हमें लीस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस करना है, सो विच प्लांट इज द मोस्ट सूटेबल, ये जानने के लिए हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टडी करना जरूरी होता है. और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, वो बनता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टडी करके ही. आप वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को स्टडी करोगे, ठीक है, तो उसी से आप लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बना पाओगे. तो देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स आर वेरिएबल. तो लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स जो लीस्ट कॉस्ट है आपकी, लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, मतलब इन द लॉन्ग रन. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, we will examine various short-term average cost curves known as the plant curves. देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि long run average cost curve अगर आपको draw करनी है या अगर आपको understand करनी है तो उसके लिए आपको various short-term average cost curves को समझना होगा, ठीक है. और ये short-term average cost curves को हम plant curves भी कहते हैं क्योंकि each जो short-term average cost curve है ये पर्टिकुलर प्लांट लेवल को, प्लांट कैपेसिटी को डिपिक्ट करता है, यानी प्रेजेंट करता है. फॉर इंस्टेंस, अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था कि जो आपका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व वन है, ये 1000 कैपेसिटी वाले प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट. सिमिलरली जो आपका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व टू था, ये 5000 कैपेसिटी वाले प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा था. देखिए, ईच एसएसी जो है एक पर्टिकुलर प्लांट लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इनको प्लांट कर्व हम कहते हैं. ओके, नाउ इन द शॉर्ट रन अ फर्म ऑपरेट्स ऑन अ स्पेसिफिक एसएसी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्लांट. देखिए, शॉर्ट रन में जो आपकी साइज ऑफ द प्लांट है उसी के बेसिस में आप एक एसएसी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में द फर्म सेलेक्ट्स फ्रॉम वेरियस पॉसिबल प्लांट साइजेस depicted by various short-run average cost curves, जैसे कि SSC 1, 2, 3 and so on. तो long-term का यही तो फायदा है कि you can select from various plant sizes. ठीक है, आपके पास बहुत सारे plants हैं, तो आप इनमें से एक plant choose करोगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा cost effective हो. और ये plant, these plants are represented by various short-term average cost curves, जैसे कि SSC 1, SSA 2, SSA 3, etc. राइट. और मान लीजिए ये SSA 1 जो है ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 1000 कैपेसिटी वाली प्लांट, ये 5000 कैपेसिटी वाली प्लांट और ये 10000 कैपेसिटी वाले प्लांट. अब मान लीजिए आपको सर्टन आउटपुट जनरेट करनी है, ठीक है, लेट्स से आपको 999 यूनिट्स आपको आउटपुट जनरेट करनी है.
अब ये आउटपुट आप SSE 1 में भी निकाल सकते हो, राइट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1000 है। आप SSE 2 वाले प्लांट में भी प्रोड्यूस कर सकते हो एंड SSE 3 वाले प्लांट में भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रोड्यूस तो आप तीनों में से कोई में भी कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे करोगे? वहीं पे करोगे जहाँ पे आपको लीस्ट कॉस्ट पड़ेगी। लेट्स से SSE 2 में आपको लीस्ट कॉस्ट पड़ रही है फॉर जनरेटिंग 999 यूनिट्स, तो फिर आप SSE 2 ही चूज करोगे। देखिए, आप कर तीनों में ही सकते थे, लेकिन आपने SSE 2 वाले प्लांट ही क्यों चूज किया? क्योंकि वहां पे आपको लीस्ट कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लॉन्ग रन में क्या करते हैं ना, हम वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि इनमें से कौन से कर्व में प्रोड्यूस करना, एक पर्टिकुलर आउटपुट प्रोड्यूस करना, कौन से कर्व में ज्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, फिर आप वहीं पे प्रोड्यूस करने का डिसाइड करते हो, ठीक है। इन द लॉन्ग रन द फर्म इवैल्यूएट्स व्हिच प्लांट साइज टू ऑपरेट ऑन टू अचीव द मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो आई होप आपने थ्योरेटिकली तो आपने चीजें समझ ली, राइट। अब इसी को हम एक बार ग्राफिकली देखते हैं। हम तीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स लेके देखते हैं, फिर हम वेरियस यूनिट्स वहाँ पे वेरियस आउटपुट उस कर्व में देखेंगे कि कौन से कर्व में आप वो सबसे लीस्ट कॉस्ट में वो आउटपुट आप जनरेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लिया हुआ है, SSE 1, SSE 2 एंड SSE 3, और ये जो 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 डिफरेंट प्लांट लेवल्स, ओके। जो SSE 1 है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लोएस्ट कैपेसिटी ऑफ प्लांट, एंड SSE 3 जो है ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाली प्लांट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, हमने सिर्फ 3 ही SSEs यहाँ पे लिया हुआ है फॉर ईज ऑफ स्टार्टिंग। रियल लाइफ में 3 से ज्यादा प्लांट कैपेसिटी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी हम 3 लेके ही स्टडी करेंगे ताकि आपको ईजिली समझ आए। अब हमें ये देखना है कि फॉर सर्टन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, राइट, आपके लिए कौन सा SSE या कौन सा प्लांट साइज सबसे ज्यादा सूटेबल है। नाउ अगर आप ये कर्व को ध्यान से देखो, देखिए, अप टू OV लेवल ऑफ आउटपुट आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है SSE 1 में प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, कोई भी यूनिट ले लो बिटवीन OV, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे A लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको A यूनिट प्रोड्यूस करना है तो पहले तो आप ये देखो कि आप कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। देखिए, A यूनिट टच कर रही है SSE 1 को एट पॉइंट L, एंड ये SSE 2 को भी टच कर रही है एट पॉइंट H, यानी कि आप A यूनिट्स SSE 1 में भी बना सकते हो एंड 2 में भी बना सकते हो। अब देखो कि कहाँ पे आपको कॉस्ट लीस्ट पड़ रही है। देखिए, ये वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज कॉस्ट, राइट, तो ये पॉइंट एल के बराबर में अगर आप प्राइस ड्रॉ कर दो और पॉइंट एच के भी बराबर में ड्रॉ कर लो और कंपेयर करो, देखो, अगर आप SSE 1 में बनाओगे तो आपको सिर्फ इतना कॉस्ट पड़ेगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड एल, ठीक है। सो SSE 1 में आपको AL कॉस्ट पड़ रहा है, एंड SSE 2 में अगर आप बनाना चाहो तो आपको इतना कॉस्ट पड़ रहा है फ्रॉम पॉइंट H टू पॉइंट A, राइट, तो इसको हम AH कह देते हैं। तो आप फिगर में देखो, AH कॉस्ट हायर है या AL? तो ऑब्वियसली AH हायर है, राइट, तो आप AH में क्यों बनाना चाहोगे? आप नहीं बनाओगे AH में, सो यू विल चूज AL ओनली, यानी कि यू विल चूज SSE 1 ओनली, ओके। तो देखिए, OB तक आप कोई भी आउटपुट हो, आपको SSE 1 में बनाने में ही कॉस्ट आपकी कम पड़ रही है, लेकिन OB के बाद देखो अप टू BD, ठीक है, B एंड D के बीच में अगर कोई भी आप यूनिट प्रोड्यूस करना चाहोगे तो फिर आपको फायदा होगा SSE 2 में बनाने के लिए। अगेन देखिए, यहाँ पे C का एग्जाम्पल हम लेके चलते, सपोज आपको C यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो आप पहले तो ये देखो कि सी यूनिट आप कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हो। देखिए, सी यूनिट टच कर रही है SSE 2 को एट पॉइंट K, और ये SSE 1 को भी टच कर रही है, देखिए, एट पॉइंट J।
अब कॉस्ट देखो, ठीक है, अगर आप ये के पॉइंट पे कॉस्ट लाइन ड्रॉ करो और अगर आप जे पॉइंट पे ड्रॉ करो यहाँ पे, तो देखिए अगर SS2 में आप बना रहे हो, SSC2 में, तो सिर्फ इतना कॉस्ट पड़ रहा है आपको, लेकिन SSC1 में अगर आप बना रहे हो तो इतना ज्यादा कॉस्ट आपको पड़ रहा है, राइट? तो कहाँ पे आप बनाना चाहोगे? ऑब्वियसली आप SSC2 में ही बनाना चाहोगे, राइट? तो बिटवीन, फॉर एनी यूनिट्स बिटवीन बी एंड डी, यानी कि अगर आपको ओ बी के बाद एंड अप टू बी डी, ठीक है, कोई भी यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है अप टू पॉइंट डी, तो फिर आपके लिए फायदेमंद है SSC2 में प्रोड्यूस करना। अब मान लीजिए बियॉन्ड पॉइंट डी, ठीक है, आपको कोई भी यूनिट बनानी है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लिया ई पॉइंट, ठीक है, तो आपको ई बराबर के यूनिट्स बनाना है, तो आपको कहाँ बनाने में फायदा होगा? देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ ई पॉइंट से, तो वो SA3 को टच करेगा यहाँ पे, राइट, इसको पॉइंट एम हम कह देते हैं, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ और ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये SSC2 को भी यहाँ पे टच करता है, राइट, तो इस पॉइंट को हम एन कहते हैं। तो जहाँ पे SSC3 को टच करता है एट पॉइंट एम, आपको कॉस्ट पड़ेगा इतना, लेकिन अगर आप SSC2 में ड्रॉ करना चाहोगे, ठीक है, SSC2 में प्रोड्यूस करना चाहोगे, तो आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। सो अगर आप ई के बराबर आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहोगे, तो आपको कहाँ पे फ़ायदा होगा प्रोड्यूस करने में? आपको फ़ायदा होगा SSC3 में। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि देखिए वेरियस आउटपुट्स के लिए, वेरियस यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए, वेरियस प्लांट्स, अलग अलग प्लांट ज़्यादा सूटेबल हो रहा है, राइट? अप टू सर्टन यूनिट्स SSC1 सूटेबल हो रहा है, उसके बाद SSC2 सूटेबल हो रहा है, एंड बियॉन्ड सर्टन यूनिट्स SSC3 ज्यादा आपको सूटेबल हो रहा है, राइट? देखिए तो इसी को एक बार हम पॉइंटर्स में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, बिलो अ सर्टन आउटपुट लेवल अप टू OB ऑपरेटिंग एट SSC1 रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट कंपेयर टू SSC2, ये हमने देख लिया, राइट? फॉर इंस्टेंस प्रोड्यूसिंग एट OA, अगर ए बराबर का आउटपुट आपको बनाना था विथ SSC1 कॉस्ट लेस, आपको सिर्फ AL पर यूनिट कॉस्ट हो रहा था, देन विथ SSC2 अगर आप बनाते तो AH पर यूनिट आपको कॉस्ट आ रहा था, विच वॉज हायर देन AL, राइट? नाउ बिटवीन OB एंड OD, ठीक है, B और D के बीच में अगर आपको प्रोड्यूस करना था, so it becomes uneconomical to produce in SSC1, hence the form shifts to SSC2. अगर कोई भी यूनिट B और D के बीच में आपको बनाना था, तो you will shift to SSC2, वहाँ पे बनाना ज़्यादा फायदेमंद हो रहा था. And for outputs larger than OD, ठीक है, ये D से beyond आपको कोई भी यूनिट बनाना था, तो SA3 आपके लिए most cost effective choice होता. तो इस तरह से आपने शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट को स्टडी करना सीख लिया, राइट? तो देखिए अब मुझे यहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना होता ना, तो मैं क्या करती पता है? अप टू OB हमने कहा कि SSC1 में बनाना फायदा है, राइट, SSC1 में प्रोड्यूस करना, तो मेरा लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, वो SSC को टच करते हुए जाता अप टू पॉइंट OB, ठीक है। अब पॉइंट बी से डी में हमने कहा कि SSC2 में बनाना फायदा है, ठीक है, तो मैं क्या करती फिर बी से डी में, मैं ऐसे SSC2 को टच करते हुए जाती, ठीक है। एंड बियॉन्ड पॉइंट डी हमने कहा कि SSC3 में प्रोड्यूस करना फायदा है, राइट, तो मेरा कर्व भी ऐसे SSC3 को टच करते हुए जाता। तो इस तरह से मैं अपना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाती। अब ये तो थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्टेड सा कर्व दिख रहा होगा, एक्चुअल में जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, वो इस तरह से फ्लैटेंड यू शेप का जैसे होता है, और ये वेरियस जो शॉर्ट रन कर्व है इसको टच करते हुए जाता है। ईच पॉइंट ऑफ दिस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये किसी ना किसी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को टच कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी को चलिए हम एक फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया है, जो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को समेटते हुए, कहीं ना कहीं टच करते हुए चल रहा है, राइट? देखिए पिछली फिगर में तो हमने सिर्फ
तीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का एग्जाम्पल लिया था, राइट? लेकिन एक्चुअली में तो प्लांट साइज काफी वेरियस प्लांट साइज हो सकते हैं ना, तीन से ज्यादा हो सकते हैं, और ईच प्लांट साइज को रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एसएससी, राइट? तो यहाँ पे हमने कई सारे प्लांट साइज और कई सारे एसएससी को लेके एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया है. देखिए, इफ अ फर्म कैन एडजस्ट प्लांट साइज इनफाइनाइटली, देयर वुड बी न्यूमरस एवरेज कॉस्ट कर्व्स. देखिए, अगर हम माने कि प्लांट साइज इनफाइनाइट है, आप कितने भी प्लांट साइज बना सकते हो, तो आपके जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी न्यूमरस होते हैं, राइट? एंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वुड रिप्रेजेंट अ स्मूथ कर्व इनकम्पासिंग ऑल दीज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स. ठीक है, सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को समेटते हुए जो कर्व बनता है वो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है. द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्रॉन टेंजेंट टू ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. देखिए, हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहीं ना कहीं टच करते हुए ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जा रहा है. जैसे कि एसएससी 1 को यहाँ पे टच कर रहा है, एसएससी 2 को यहाँ पे, एसएससी 3 को यहाँ पे, राइट? तो ईच शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को ये टच करते हुए आगे मूव हो रहा है, राइट? एवरी पॉइंट ऑन द लॉन्ग रन कर्व टचेस अ स्पेसिफिक शॉर्ट रन कर्व. इफ अ फर्म डिजायर्स टू प्रोड्यूस एनी पर्टिकुलर आउटपुट, इट देन बिल्ड्स अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्लांट एंड ऑपरेट्स ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. देखिए, अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, ठीक है, सपोज आपको ये एम आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व में कहाँ टच हो रहा है ये एम आउटपुट. ठीक है, तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टच कर रहा है एट पॉइंट जी, राइट? एंड दिस पॉइंट जी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व. ये है कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको एम आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो सबसे बेस्ट आपके लिए प्लांट साइज होगा वो प्लांट साइज जो ऐसे 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इसी प्लांट साइज में बनाओगे. अब आप यहाँ पे देखो, जो ये एम है ना, आप इसको एक्चुअली ये एसएससी 1 को भी टच कर सकता था ऊपर जाके, राइट? लेकिन अगर हम एसएससी 1 पे अगर एम प्रोड्यूस करते तो हमको ज्यादा कॉस्ट पड़ता. ठीक है, अगर हम देखे, अगर एसएससी 1 पे हम बनाते तो हमें इतना कॉस्ट पड़ता, लेकिन अगर हम एसएससी 2 में बना रहे हैं तो हमें रिलेटिवली कम कॉस्ट हो रहा है, राइट? एसएससी 1 में इतना ज्यादा होता. तो जो ये लॉन्ग रन आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, ये बेसिकली वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व वहां पे टच करता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, जहां पे प्रोड्यूस करना सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है. जैसे कि ये एम यूनिट के लिए ये एसएससी 2 को टच कर रहा है, राइट, एट पॉइंट जी या फिर पॉइंट एफ ऑन द एसएससी 2 कर्व. तो इसका ये मतलब है कि सबसे ज्यादा फायदा आपको एसएससी 2 में ही बनाना है. सिमिलरली फॉर पॉइंट वी, अब देखो वी कहाँ पे टच कर रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये टच कर रहा है एट पॉइंट एच, और ये पॉइंट एच इज ये कौन से शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व को कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये हो रहा है शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व एसएससी 3 को, राइट? तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको वी यूनिट्स बनाना है तो आपको एसएससी 3 वाले कर्व में बनाने में सबसे ज्यादा फायदा है. सिमिलरली अगर आपको डब्ल्यू यूनिट्स बनाने, तो ये कहाँ पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है पॉइंट टी पे, राइट? एंड पॉइंट टी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व 6, राइट? तो अगर आपको डब्ल्यू यूनिट्स बनाना है तो सबसे ज्यादा फायदा है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व 6 में बनाने के लिए. सो आपको समझ आ गया कि लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को कैसे स्टडी करना है, और क्या आपको पता चलता है ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से? आपको ये पता चलता है कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिट बनाना है, चाहे वो एम हो, एन हो, ठीक है, क्यू हो या डब्ल्यू हो, तो आपको कौन से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में बनाना सबसे ज्यादा फायदा होता है ये आपको पता चलता है. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्लांट साइज को, राइट? कौन से प्लांट साइज आपके लिए सूटेबल है फॉर सर्टन आउटपुट, ये आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से पता चलती है. ओके, क्लियर?
Now let's move on. Okay, now let's move on to another point. देखिए, it is clear from the figure that larger output can be produced at lowest cost with larger plant, where a smaller output can be produced at lowest cost with smaller plants. देखिए, ये point क्या कह रहा है? अगर आपको larger output बनानी है ना, तो larger plant में बनाने में ज्यादा फायदा है, lowest cost है, ठीक है? और अगर आपको smaller output बनानी है, तो smaller plant में बनाने में ज्यादा फायदा है. अब आप कहोगे कैसे? देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए. फॉर एग्जाम्पल, टू प्रोड्यूस ओ एम द फर्म विल बी यूजिंग एस ए सी टू ओनली. इफ इट यूजेस एस ए सी थ्री, इट विल रिजल्ट इन हायर यूनिट कॉस्ट देन एस ए सी टू. देखिए, ओ एम कहाँ पे? एम यहाँ पे, राइट? तो अगर आपको ओ एम बनानी है, तो आप कहाँ पे बनाओगे? ये कह रहा है कि एस ए टू में बनाना फायदा है. चलिए देखते हैं. देखिए, ओ एम टच कर रहा है एस ए सी टू को एट पॉइंट जी, राइट? और ये कह रहा है कि आप एस एस सी थ्री में बनाने में आपको फायदा नहीं है. तो एस एस सी थ्री का कर्व भी यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, राइट? तो अगर आप ओ एम को एस एस सी थ्री में बनाना चाहोगे, तो ये इस तरह से थ्री को भी टच करेगा. लेकिन आप देखिए, प्राइस कॉस्ट देखिए, थ्री में आपको यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगा, टू में आपको पड़ेगा कॉस्ट यहाँ पे. तो ऑब्वियसली एस एस सी टू में आपको कम कॉस्ट पड़ रहा है एज कम्पेयर टू एस एस सी थ्री, राइट? तो देखिए, अगर आपको छोटा यूनिट प्रोड्यूस करना है ना, तो स्मॉलर साइज प्लांट में ही आपको ज्यादा फायदा है. देखिए, एस एस सी टू जो है, ये स्मॉलर साइज प्लांट को रिप्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू एस एस सी थ्री. जितना आप राइटवर्ड मूव कर रहे हो ना, तो लार्जर प्लांट साइज ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फॉर स्मॉल यूनिट, देखिए, स्मॉल साइज प्लांट में ही बनाने में फायदा हमें दिखा. बट फॉर लार्जर आउटपुट, जैसे कि ओवी, कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर इकोनॉमिकली विथ लार्जर प्लांट रिप्रेजेंटेड बाई एस एस सी थ्री. अब ओ वी को देखते हैं. देखिए, ओ वी कहाँ पे? वी यहाँ पे, राइट? अब ओ वी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कहाँ टच कर रहा है? एच पे टच कर रहा है, राइट? एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ एस एस सी थ्री. तो ये पॉइंट कह रहा है कि ओ वी को एस एस सी थ्री में बनाने में ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू विद लार्ज. देखिए, ये इसको ना, हम ओ वी को हम एस एस सी टू में भी बना सकते थे, राइट? जो एस एस सी टू को भी यहाँ पे टच कर रहा है. लेकिन अगर हम प्राइस देखें, तो एस एस सी टू में अगर हम बनाएं, तो इतना प्राइस पड़ेगा, और एस एस सी थ्री में हम बनाएं, तो कम प्राइस पड़ रहा है. तो जैसे आप यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हो ना, अगर आप राइटवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो आउटपुट में, तो आपको लार्जर प्लांट में जाने में ही फायदा होता है. जैसे कि अगर आपने ओवी बनाना है, तो एस एस सी थ्री में आपको बनाने में ज्यादा फायदा है. लेकिन अगर आपको आउटपुट आपने डिक्रीज करनी है, ओ एम बनानी, ठीक है, तो स्मॉलर आउटपुट में, स्मॉलर प्लांट में बनाने में ज्यादा फायदा है. तो ये काफी इतना डिफिकल्ट पॉइंट तो नहीं था, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा. नाउ, अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं. तो ये पॉइंट्स को अब आप थोड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इट हैज टू बी नोटेड दैट एलएसी कर्व is not always tangent to the minimum points of the SST curves. देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो LSE कर्व है ना आपका, जरूरी नहीं है कि वो SST कर्व के मिनिमम पॉइंट पे ही टेंजेंट हो, यानी कि मिनिमम पे ही टच करे, ऐसा जरूरी नहीं है. आप ये फिगर को एक बार ध्यान से देखिए. देखिए, जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को टच तो कर रहा है, लेकिन हमेशा मिनिमम पॉइंट पे ही टच नहीं कर रहा. फॉर इंस्टेंस, अगर आप एस एस सी वन भी देखिए, तो देखिए मिनिमम से ऊपर ही ये टच करने लग गया है, राइट? एस एस सी टू को भी मिनिमम से ऊपर ही टच कर रहा है. तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व है, इसके मिनिमम पॉइंट पे ही एल एस सी टच कर रहा हो. देखिए, ऐसा क्यों है? कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्यों मिनिमम पॉइंट पे ही नहीं टच करता. देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व बनाए ना, तो वो इस तरह से कुछ यू शेप में होता है, राइट? शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व वन ऐसे मान देते हैं. अब जब आप शॉर्ट टर्म पे होते हो ना, तो आपके पास सिर्फ यही एक कर्व है, आप स्टक हो इसी कर्व में, राइट? आपको यहीं पे प्रोड्यूस करना है. तो शॉर्ट टर्म पे आप क्या चाहोगे कि ठीक है, अगर मुझे यही कर्व में प्रोड्यूस करना है, तो मैं चाहूंगा कि मैं ये मिनिमम पॉइंट पे ही प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस करने पे ही मुझे सबसे ज्यादा फायदा है.
लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपके पास कई सारे ऑप्शन है, राइट? आपके पास SSC 2 का भी ऑप्शन है. तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अभी मान लीजिए आप ये पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप अभी लोएस्ट पॉइंट पे आए भी नहीं, आप SSC 1 के ये लोएस्ट अबव पॉइंट में ही प्रोड्यूस कर रहे थे. अब आपने क्या देखा कि अगर आप आपके आउटपुट इंक्रीज करना चाहो तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू दिस लोएस्ट पॉइंट आपको ज्यादा फायदा हो रहा है SSC 2 में प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एक हायर कैपेसिटी प्लांट में प्रोड्यूस करने में ज्यादा फायदा हो. तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप SSC 1 से SSC 2 में जंप करोगे विदाउट इवन रीचिंग द मिनिमम ऑफ SSC 1, ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म में ये एक सुविधा है आपको, ठीक है, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर कर्व के मिनिमम तक प्रोड्यूस करो. अगर मिनिमम पहुंचने से पहले ही, ठीक है, इस पॉइंट में ही अगर आपको दिख रहा है कि अगले शॉर्ट टर्म कर्व में जंप करने में फायदा है, यानी कि अगले प्लांट में प्रोड्यूस करने में फायदा है, तो आप जंप कर सकते हो विदाउट रीचिंग मिनिमम. तो इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पे ही टच करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? सो इट इज टेंजेंट टू द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, बट इट इज नॉट ऑलवेज टेंजेंट एट द मिनिमम पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिक्लाइनिंग, इट इज टेंजेंट टू द फॉलिंग पोर्शंस ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स. तो देखिए, जब ये डिक्लाइनिंग हो रहा है, कहाँ पे डिक्लाइनिंग हो रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये पॉइंट में डिक्लाइनिंग हो रहा है, राइट? अप टू पॉइंट पी ये डिक्लाइनिंग है, पॉइंट पी के बाद ये इंक्रीज होने लग जाता है. सो व्हेन इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज टेंजेंट टू द फॉलिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व. देखिए, ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो फॉलिंग पार्ट कौन सा है, फॉलिंग पार्ट ये है, राइट? तो आप देखिए, ये सारे जो कॉस्ट कर्व्स है, इनके फॉलिंग पार्ट को यहाँ पे टच किया जा रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली ये प्रॉपर्टी ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की प्रॉपर्टी को दर्शाती है, ये पॉइंट. देखिए, इनिशियली क्या होता है कि जब आप अपना स्केल इंक्रीज करते हो, ठीक है, जब आप अपने प्लांट्स एंड आपके बाकी इनपुट्स इंक्रीज करते हो, तो इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला फेज देखने को मिलता है. तो अगेन हम ये लॉ ऑफ ये जो आपका प्रोडक्शन का लॉ है, हम अगेन उसी पे वापस जा रहे हैं, ठीक है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू स्केल क्या था, लॉन्ग रन में आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो उसका एक लॉ था, राइट, रिटर्न्स टू स्केल. तो रिटर्न्स टू स्केल क्या बताता था कि इनिशियली जब आप अपना स्केल इंक्रीज करोगे, आप अपने प्लांट के साइज इंक्रीज करोगे, बाकी इनपुट्स भी इंक्रीज करोगे, तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा. यानी कि अगर आप इनपुट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो इनपुट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कॉस्ट भी थोड़ा सा ही आप कॉस्ट लगा रहे हो, लेकिन आउटपुट ग्रेटर प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपका कॉस्ट पर आउटपुट है ये कम हो रहा है, राइट? तो ये जो कॉस्ट पर आउटपुट है, यही तो आपका एवरेज कॉस्ट है ना, यही तो आपका एवरेज कॉस्ट है. तो इनिशियली जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, तो इसलिए आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल करने लग जाता है. तो जब वो फॉल करता है ना, तो वो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की फॉलिंग पार्ट को टच करता है. तो इनिशियली देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये फॉल करता है, ठीक है. एंड जब ये फॉल करता है, तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पार्ट पे टेंजेंट होता है. लेकिन जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व राइज होना शुरू करता है ना, व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, इट इज टेंजेंट टू द राइजिंग पोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व. अब एक पॉइंट के बाद जब ये मिनिमम पे आ जाता है, उसके बाद ये राइजिंग होने लग जाता है ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न. सर्टन टाइम के बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाता है, राइट? डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, आप इनपुट अगर ज्यादा इंक्रीज भी करो, तो भी आपका आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता. स्केल इंक्रीज करने से यहाँ पे आउटपुट में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है. तो इस केस में जो आपका कॉस्ट पर आउटपुट है ना, ये इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा.
क्योंकि इनपुट अगर आप इंक्रीज कर रहे हो ज्यादा तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और आउटपुट तो आपकी ज्यादा इंक्रीज ही नहीं हो रही, राइट। तो जो आपका कॉस्ट पर आउटपुट है वो इंक्रीज होने लग जाता है, यानी कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लग जाती है। सो वंस डिक्रीजिंग रिटर्न सेट इन, आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसके वजह से जो ये शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है इसकी भी इंक्रीजिंग पार्ट को ये टच करते हुए चल रहा है, ठीक है। इट इज टेंजेंट टू द राइजिंग पोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व की राइजिंग पोर्शन कौन सी, ठीक है, ये तो डिक्रीजिंग पोर्शन हो गया, राइट, तो इनके राइजिंग पोर्शन ये हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये राइजिंग पोर्शन पे यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, राइट। तो ये राइजिंग पोर्शन में टच करता है व्हेन द एलएसी इज आल्सो राइजिंग। तो ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया कि व्हेन एलएसी इज डिक्लाइनिंग ये फॉलिंग पोर्शन पे टेंजेंट होता है एंड व्हेन इट इज राइजिंग ये राइजिंग पोर्शन में टेंजेंट होता है, राइट। तब ये लास्ट पॉइंट को देखिए, ओनली SSC4 इज बीइंग ऑपरेटेड एट द मिनिमम पॉइंट, ठीक है। SSC4 ये हो गया, राइट, तो सिर्फ यही कर्व है जहां पे ये मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, राइट, तो सिर्फ इसी कर्व को आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो। देखिए SSC4 अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे इसके मिनिमम पॉइंट पे टच कर रहा है LAC, मतलब ये कर्व को आप बिल्कुल ऑप्टिमम पॉइंट तक यूज कर रहे हो। ऑप्टिमम पॉइंट वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको आपकी कॉस्ट लीस्ट है, राइट। अब SSC4 से पहले वाले कर्व्स आप देखिए, इन सब कर्व को आप ये फॉलिंग पार्ट पे टच कर रहे हो, राइट, मिनिमम से पहले ही टच कर रहे हो, यानी कि आप इनको ऑप्टिमम यूज नहीं होने दे रहे, राइट, दे आर ऑपरेटिंग एट लेस देन ऑप्टिमम। और जो SSC4 के बाद के कर्व्स है, राइट, इनको आप अपने राइजिंग पार्ट पे टच कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्टिमम यहाँ पे मिनिमम पे आप राइजिंग पॉइंट पे टच करें, यानी कि आप ऑप्टिमम से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, आप ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, अदर प्लांट्स आर ईदर यूज्ड एट लेस देन देयर फुल कैपेसिटी और मोर देन देयर फुल कैपेसिटी, ठीक है। ओनली SSC4 को आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो आपका LAC का मिनिमम पॉइंट है वो SSC4 का मिनिमम पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है, राइट, दोनों के मिनिमम पॉइंट सेम है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के मिनिमम पॉइंट पे टच हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप देखो तो लेस देन मिनिमम पे टच हो रहा है और इससे बाद में आप देखो तो मोर देन मिनिमम जो ऑप्टिमम पॉइंट है उसके बाद के पॉइंट को टच हो रहा है, तो इसलिए ये ओवर यूटिलाइज। ओके, डन, आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, विच इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए हमने अभी देखा है कि जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इस तरह से यू शेप्ड की होती है, राइट, और ये क्यों डिक्रीज करती है और क्यों इंक्रीज करती है इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है इसलिए कॉस्ट डिक्रीज होता है और ये फॉलिंग होता है, फिर आफ्टर सर्टन पॉइंट ये मिनिमम पे आ जाता है यहाँ पे, राइट, और मिनिमम के बाद जब डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू होता है तो ये फिर ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाता है। ओके, तो एक्चुअली यही कारण है, चलिए इसी को हम पॉइंट बाय पॉइंट हम स्टडी करते हैं। नाउ द यू शेप ऑफ द LAC कर्व isn't related to the U-shape of the short-term average cost curves. देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि जो short-term average cost curve है वो U-shape होता है और जो long-run है वो actually short-run को ही encompass कर रहे हैं, short-run cost curves को ही, तो इसलिए वो U-shaped होते होंगे, तो ऐसा assumption लेते हैं कई बच्चे, but ये सच नहीं है, ठीक है। जो short-term average cost curve का shape है ना उसका कोई लेना देना नहीं है long-run average cost curve के shape से। जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप है विच इज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिएबल फैक्टर रेशियो, राइट, बट इन द लॉन्ग रन द LAC शेप अराइजेस फ्रॉम रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। इसका मेन कारण, यू शेप का मेन कारण है द रिटर्न्स टू स्केल। एज अ फर्म एक्सपेंड्स इनिशियली देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, राइट, and it leads to a decline in the long run average cost. जब increasing returns होता है तो आपका जो
एवरेज कॉस्ट होता है लॉन्ग रन का, वो डिक्रीज होता है, राइट। लेकिन आफ्टर अ सर्टन पॉइंट आप एक कॉन्स्टेंट रिटर्न पे आ जाते हो, आप मिनिमम पॉइंट पे आ जाते हो, राइट। एंड बियॉन्ड द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल देयर इज इवेंचुअली अ डिक्रीज इन रिटर्न, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न वाला फेज स्टार्ट होता है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन द राइजिंग एनडीसी। और जब डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट होता है तो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट को राइज होना शुरू होता है, इसकी वजह से ये यू शेप जैसा आपको दिखाई देता है, ठीक है। द फॉल एंड राइज ऑफ एनडीसी ऑल्सो अकर्स ड्यू टू इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, ये टर्म आपके लिए अभी काफी न्यू है, राइट, आपने पढ़ा नहीं है। एक्चुअली जो हमारी अगली लेक्चर है ना, उसमें हम इन्हीं दो टर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो क्या होता है, आपका कॉस्ट गिर जाता है, राइट, आपका कॉस्ट डिक्रीज होता है। तो इसको हम, ये जो फायदा हो रहा है ना आपको, इसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, यानी कि स्केल इंक्रीज करने का फायदा। और जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स आपका आता है तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इस फेज को या इसको हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि स्केल इंक्रीज करने का नुकसान। सर्टन टाइम बाद अगर आप ज्यादा ही बड़ा करोगे अपने बिजनेस को, ज्यादा ही स्केल इंक्रीज करोगे, तो आपको सर्टन डिस इकोनॉमीज भी झेलना पड़ सकता है, आपका कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि हमने डिक्रीजिंग रिटर्न्स पढ़ा था, राइट। तो इसको हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अब क्या क्या कारण होता है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज का, ये हम अगले वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार आपके एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि द फॉलिंग पार्ट ऑफ एलएसी कर्व, यानी कि आपका ये एलएसी कर्व इस तरह से यू शेप्ड है, राइट। तो ये जो फॉलिंग पार्ट है, इसका क्या कारण है, और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आपका आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। क्योंकि देखिए, फॉलिंग पार्ट का कारण क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, राइट, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आपका कॉस्ट डिक्रीज होता है, और इसके हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हैं। तो दैट्स व्हाई द फॉलिंग पार्ट इज ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, एंड जो राइजिंग पार्ट है ना, जहाँ पे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से हो रहा है, राइट। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछी जाए, द राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आप कहेंगे कि राइजिंग पार्ट इज ड्यू टू द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी, ओके। Now the LAC initially decreases with output and then rises forming a boat shape. तो ये तो हमें पता ही, right? Initially decrease होता है, फिर थोड़ी देर के लिए constant होता है, फिर increase होता है, तो ये एक boat के जैसे आपको shape दिखाई देता है। अब ये भी कभी कभार exam में पूछी जाती है कि which curve looks like a boat shape or something, इस तरह के question भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको answer देना है LAC, long run average cost curve. The long run average cost curve is also called the planning curve of the firm as it helps in choosing an appropriate plant on the decided level of output. तो ये भी MCQ पूछी जाती है कि which curve is called the planning curve. तो आपको कहना है कि long run average cost curve जो है, इसको planning curve हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम plan कर सकते हैं कि which is the most appropriate plant जहाँ पे आपको output produce करनी चाहिए। लीस्ट कॉस्ट में आप कौन से प्लांट में प्रोड्यूस कर सकते हैं आउटपुट, वो हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बताती है, राइट। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का एक और नाम भी है, वो है एनवेलप कर्व। अब आप गेस करो कि इसको एनवेलप कर्व क्यों कह रहे होंगे, क्योंकि देखिए जो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, उसको कैसे समेटे हुए ये चल रहा था, राइट, एक एनवेलप की तरह इसको कवर कर रहा था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को कवर कर रहा था, इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है, बिकॉज इट एनवेलप्स और सपोर्ट्स अ फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स फ्रॉम बिलो। नीचे से ये ऐसे सहारा देता है वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को, राइट, तो इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं। तो वेरियस
डिफरेंट नेम्स हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का, और ये एग्जाम में कहीं बात पूछी भी जाती है, तो आपके लिए जानना जरूरी था. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, एलएसी कर्व शेप फॉर मॉडर्न फर्म्स. देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो आपकी एलएसी कर्व है वो ऐसे यू शेप की होती है, राइट? पहले डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है. लेकिन ये जो एनालिसिस है ना, ये काफी पुरानी ट्रेडिशनल एनालिसिस है. तो क्या आपके जो मॉडर्न फॉर्म्स है, क्या उनके एलएसी कर्व भी ऐसे यू शेप के होंगे, या फिर वो कोई और शेप अज्यूम कर लेते हैं? तो चलिए वही फाइंड आउट करते हैं. द डिपिक्टेड फ्लैटेंड यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एलएसी कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एनालिसिस. दिस कर्व टाइप इज अज्यूम्ड अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी. ठीक है, अगर आपका टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है तो तब जाके ऐसे यू शेप्ड का कर्व हो सकता है. ओके, सच अ कर्व फॉर्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टेक्नोलॉजिकल स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड. इट शोकेसेस अ पैटर्न वेयर कॉस्ट इनिशियली डिक्रीज, रीच अ मिनिमम पॉइंट एंड देन राइज. हाउएवर, इम्पेरिकल एविडेंस, यानी कि जो प्रैक्टिकल एविडेंस है, वो इंडिकेट करती है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफन इनकाउंटर एल शेप्ड कॉस्ट कर्व ओवर सब्सटेंशियल आउटपुट रेंजेस, कॉन्ट्रास्टिंग द ट्रेडिशनल यू शेप. तो देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखी जाए तो नॉर्मली जो मॉडर्न फॉर्म्स है वो यू शेप्ड ही एलएसी कर्व उनकी नहीं होती, ठीक है, उनके एल शेप की होती है. एल शेप यानी कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स के टाइम पे ये ऐसे डिक्रीज करती है कॉस्ट, राइट? तो कर्व जो है ये रैपिडली नीचे के तरफ मूव करती है, उसके बाद कॉस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो ये ऐसे हॉराइजेंटल शेप ले लेती है, ठीक है. पहले डिक्रीज होता है, फिर कॉन्स्टेंट रहता है, तो आपको ये एल के जैसा शेप बना हुआ दिखाई देता है. देखिए, ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है ना, ट्रेडिशनल जब ये एनालिसिस की गई थी ना, तब ये अज्यूम किया गया था कि टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगी. लेकिन अब मॉडर्न फॉर्म्स की अगर आप बात करें तो क्या टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट होती है? नहीं, आज के जमाने में तो टेक्नोलॉजी कितना इवॉल्व कर रही है, राइट? तो बिकॉज ये टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन की वजह से देखिए, आपको नए नए तरीके पता चलते हैं प्रोडक्शन के, जिससे कि आप कॉस्ट मिनिमाइज कर सको या आप ज्यादा एफिशियंटली प्रोड्यूस कर सको, ठीक है, एफिशियंटली आप प्रोड्यूस कर सको. तो जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज है होता है ना, वो नॉर्मली डिले हो जाता है मॉडर्न फॉर्म्स के लिए. उनको ये स्टेज काफी बाद में, ठीक है, काफी बाद में देखने को मिलता है. या अगर कोई कोई फॉर्म्स अगर वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट है तो शायद उनको देखने को मिले भी ना कभी डिक्रीजिंग रिटर्न. तो वो बहुत लंबे टाइम तक कॉन्स्टेंट रिटर्न्स के फेज में ही रहते हैं, जहां वो बहुत ही एफिशियंटली अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इस कारण से जो उनका लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है वो एल शेप का दिखाई देता है. देखिए, द एल शेप लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इम्प्लाइज दैट इनिशियली व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ प्लांट एंड एसोसिएटेड वेरिएबल फैक्टर्स पर यूनिट कॉस्ट फॉल्स रैपिडली ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से पहले इसे रैपिडली कॉस्ट डिक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा. द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डज नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर सफिशियंटली लार्ज स्केल ऑफ आउटपुट एज इट कंटिन्यूज टू इंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आफ्टर सम टाइम ये डिक्रीज होने के बाद ये ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसे इंक्रीज होते हुए बहुत क्विकली आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आप ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हो आज के जमाने में, इसलिए आपको जो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाला फेज है ये काफी समय बाद देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं फॉर्म में तो देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स के फेज में ही चलते रहते हैं. ओके, सो यू अंडरस्टूड क्योंकि कि वाई मॉडर्न फॉर्म्स के एल शेप्ड कॉस्ट कर्व होते हैं. Now before we move on, I'd like to announce कि हमने CA Foundation Paper 4 के लिए online mock test launch किया है. अभी हमारे पास 2 sets of mock test है containing 100 questions each. Questions challenging है, आपको करने में मजा आएगा और ये आपकी जो understanding है उसकी अच्छी test हो जाएगी.
तुरंत ये एग्जाम सॉल्व करने के बाद, टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको अपना स्कोर भी दिख जाएगा, ठीक है, और स्कोर में नेगेटिव स्कोर भी शामिल है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि करंट मैंने प्रिपरेशन लेवल से मैं एग्जाम में कितना स्कोर ले आ पाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पे हमने ये टेस्ट बनाया हुआ है, और सबसे अच्छी बात, आप ये घर बैठे बैठे अपने फोन में या लैपटॉप में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने इसमें टाइमर भी डाला हुआ है, आपको 2 घंटे में टेस्ट सॉल्व करनी होगी, लेकिन अगर आपको टेस्ट देते वक्त कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, कहीं जाना पड़ा, तो आप टाइमर को पॉज भी कर सकती हो और लॉग आउट कर सकती हो। दोबारा जब आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने स्टॉप किया था ना, वहीं से आप दोबारा शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हमने टाइमर इसलिए लगाया है कि 2 घंटे में सॉल्व करने की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास लिमिटेड टाइम होती है। तो हम चाहते हैं कि ये मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन के नीचे ना हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, अब वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। वंस यू कंप्लीट द टेस्ट, आप एक बार अपना स्कोर चेक करो एंड देन यू कैन रिविजिट योर टेस्ट अगेन, फिर आपने कहाँ कहाँ पे गलती किया है आपको दिख जाएगा, और आप हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में। और ये अवेलेबल है एट ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ ₹100, तो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उठा चुके हैं, तो आप भी पीछे ना रहिए, यही मैं सजेस्ट करती हूँ। टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या जनरली भी आपको ये पेपर 4 से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो टेलीग्राम चैनल में भी आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे कॉन्टेंट टाइमली मिल जाए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक भी करें और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।